रायपुर से एक और बड़ी खबर, एक्सप्रेसवे का मंत्री ताम्रध्वज साहू ने लिया जायजा। पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू ने मरम्मत कार्य का जायजा लिया है। अप्रैल मई तक निर्माण कार्य पूरा करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। तेलीबांधा में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया है। रायपुर उत्तर के विधायक कुलदीप जुनेजा मौजूद हैं, पीडब्ल्यूडी विभाग के अफसर भी मौजूद। रामनगर में बन रहे अंडरब्रिज का भी निरीक्षण करेंगे मंत्री साहू। तो अप्रैल मई तक निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश। तो एक्सप्रेस वे का जायजा लिया है पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू ने। तो विधायक कुलदीप जुनेजा और पीडब्ल्यूडी विभाग के अफसर भी मौजूद। तो रायपुर उत्तर के विधायक कुलदीप जुनेजा, पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी भी मौजूद हैं। रामनगर में बन रहे अंडरब्रिज का भी निरीक्षण करेंगे मंत्री साहू। तो अप्रैल मई तक निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दे दिए गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा। राजेश, जिस तरीके से एक्सप्रेसवे के बाद उसमें निर्माण में अनियमितता उजागर हुई थी, निर्माण में कमियां उजागर की गई थी, क्या लगता है आपको कि अब ये पूरी मुस्तैदी से तैयार हो जाएगा अप्रैल मई तक? देखिए, आज इन्हीं सब बातों का निरीक्षण करने के लिए पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू और उत्तर के रायपुर उत्तर के जो विधायक है, कांग्रेस के विधायक कुलदीप जुनेजा और संसदीय सचिव पीडब्ल्यूडी विभाग विकास उपाध्याय और तमाम पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों के साथ गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने आज एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया है। वह कुछ देर पहले ही जहां हम खड़े हैं तेलीबांधा, वहां पर वो आए थे, निरीक्षण करके गए हैं। इसके अलावा वो रामनगर में जो अंडरब्रिज बन रहा है उसका भी निरीक्षण करने गए हैं। इसके पीछे वजह यह है कि पीडब्ल्यूडी मंत्री ने पीडब्ल्यूडी विभाग के अफसरों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि ये जो निर्माण कार्य है उसको जल्द से जल्द पूरा करें और निर्धारित जो मापदंड हैं उसका भी ख्याल रखें, किसी प्रकार की कोई अनियमितता, गड़बड़ी और लापरवाही इस मामले में नहीं आना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया है, जैसे कि हम आपको बता दें कि 5 जगह से इस एक्सप्रेसवे को तोड़कर फिर से बनाया जा रहा है। उन 5 में से 2 जगह जो है वो मार्च तक इसका निर्माण पूरा हो जाएगा और वहां पर रास्ता शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा मई तक, अप्रैल से लेकर मई तक के इसके निर्माण कार्य को पूरा करने का स्पष्ट निर्देश पीडब्ल्यूडी मंत्री ने दिया है और उन्होंने कहा है कि निर्माण कार्य में तेजी लाएं, मगर साथ ही साथ इसकी क्वालिटी का भी पूरा ख्याल रखें, क्योंकि इसमें अगर किसी प्रकार की कोई अनियमितता पाई जाती है तो फिर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो जिस तरह से अभी आज पीडब्ल्यूडी मंत्री ने पूरे इस निर्माण कार्य जो चल रहे हैं एक्सप्रेसवे के, जो मरम्मत का कार्य चल रहा है उसका निरीक्षण किया, अधिकारियों को निर्देश दिया है और उसके बाद अभी रामनगर पहुंचे हैं, वहां पर अंडरब्रिज का भी निरीक्षण कर रहे हैं। और इस निरीक्षण के पीछे वजह यह है कि इसको तत्काल जल्द से जल्द पूरा किया जाए। और इसमें जो राजेश, जब इस तरीके के एक्सप्रेस वे है या ओवरब्रिज है, अंडर ओवरब्रिज है, जब ये तैयार होते हैं तो शुरुआत में तो उजागर नहीं होती कमियां, लेकिन कुछ समय बाद ही जो है सच्चाई सामने आ जाती है। गुणवत्ता को किस तरीके से मेंटेन किया जाएगा आपको लगता है, इसको लेकर कुछ पैरामीटर्स की तरफ गाइडलाइन जारी की? जी बिल्कुल, पीडब्ल्यूडी विभाग जो है इस मामले में जो ठेका दिया है जिस कंपनी को, वो कंपनी किस तरह से काम कर रही है, निर्धारित मापदंडों का किस तरह से उपयोग किया जा रहा है, पालन किया जा रहा है, जो इसमें सामग्री उपयोग की जा रही है वो किस तरह की सामग्री है, उसका निरीक्षण करने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग के अफसरों की वहाँ पर नियुक्ति की जाती है और वो उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो उस पूरे निर्माण कार्यों का निरीक्षण करे। जो पिछले दोनों ये एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ था उसमें सब लापरवाही पाई गई थी, इसी वजह से पीडब्ल्यूडी विभाग के अफसरों को जिसकी जिम्मेदारी दी गई थी उनको निलंबित किया गया। अब इस बार भी जो काम हो रहा है उसमें भी पीडब्ल्यूडी विभाग के अफसर नजर रखे हुए हैं और निर्धारित मापदंड का इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्वालिटी का इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उच्च स्तर का। राजेश, इसमें जिन कंपनियों को टेंडर दिया जाता है क्या उनके उनके लिए कोई जिम्मेदारी तय की गई है? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि निर्माण करके चले गए और भ्रष्टाचार बाद में उजागर होता है, तो क्या इनको कोई पनिशमेंट के लिए गुणवत्ता के आधार पर कुछ तय किया गया?
जी बिल्कुल, पनिशमेंट इसका यही है कि इस कंपनी को, जो कंपनी इसका निर्माण कर रही थी, उस कंपनी को ये निर्देश दिया गया है कि पूरा जो एक्सप्रेसवे बना है उसको तोड़ा जाए, छोटा मोटा मुरम्मत नहीं किया जाए, तोड़ के फिर से बनाया जाए। तो यही वजह है कि ये एक्सप्रेसवे जो केंद्री से लेकर रेलवे स्टेशन तक बना हुआ था उसको 5 जगह से उसको तोड़ा गया, तेलीबांदा में, देवेंद्र नगर में, पंडरी में, फाफड़ी में, ये तमाम जगह से तोड़कर फिर से इसको जो फिर से बनाया जा रहा है। और निश्चित रूप से कंपनी को ये निर्देश दिया गया है कि ये पूरा निर्माण कार्य आपके उस पर किया जाए। हालांकि कंपनी ये कर रही है और ये एक्सप्रेसवे ओवर हैंडओवर शासन को नहीं हुआ था, उसके पहले इसमें आवागमन शुरू कर दिया गया था। और उस आवागमन शुरू होने के साथ ही के बाद ही ये पता चला कि इसमें बहुत सारी अनियमितताएं, जगह जगह से पुल जो भसक रहे हैं। हमने ही सबसे पहले ये अली खबर दिखाई थी कि तेलीबांदा में जर्क जो फ्लाईओवर जुड़ता है, जो सड़क जुड़ती है, उस पर गड्ढे हो गए थे और उसके कारण एक दुर्घटना होते होते बची थी। तो तमाम मामलों की जानकारी होने के बाद फिर जो इसके जिम्मेदार जो पीडब्ल्यूडी के अफसर थे, जिनको जिम्मेदारी दी गई थी कि इस पर नजर रखने के लिए, उन पर कार्रवाई की गई और कंपनी को यह निर्देश दिया गया कि इसको तोड़कर फिर से बनाया। तो निश्चित रूप से इससे कंपनी पर आर्थिक भार तो पड़ ही रहा है। अगर मान लो हैंड ओवर हो जाता, पेमेंट हो जाता और उसके बाद अगर कोई कार्रवाई होती तो निश्चित रूप से कंपनी पर बड़ी से बड़ी कार्रवाई हो सकती थी, मगर अभी भी जिम्मेदारी कंपनी की है। कंपनी को ये मरम्मत का काम दिया गया है और ये भी साथ साथ निर्देश दिया गया पूरी क्वालिटी का ध्यान रखते हुए मई तक, क्योंकि पूरी शक्ति की जरूरत है राजेश, क्योंकि अगर ये सड़क बन जाएगी, इसमें भ्रष्टाचार रहा या मापदंड का पालन नहीं हुआ तो आने वाले समय में दुर्घटना से आम लोगों को ही नुकसान होगा। जिस जगह पर अभी आप खड़े हैं, मुझे लगता है क्या वो वही जगह है जहां पर सड़क का निर्माण चल रहा है? जी, ये अगर हम बात करें तो सभी जगह सड़कों का निर्माण चल रहा है। खासकर अगर हम बात करें तो फुंडहर चौक से लेकर जो रेलवे स्टेशन के बीच में 5 पुल बनाए गए हैं, वहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है। अभी हम तेलीबांदा का जो ब्रिज जुड़ता है, ये शंकर नगर से जो तेलीबांदा की ओर जाता है, तो शंकर नगर से तेलीबांदा की ओर जो जीई रोड है, वो ब्रिज के ऊपर का जो रास्ता है वहाँ पर हम हैं। इसको भी पूरा तोड़ दिया गया था और इसको तोड़ने के बाद फिर से इसको बनाया जा रहा है, क्योंकि इसकी जो साइड्स की दीवार देख रहे हैं, जो वो दीवार पूरी भसक कर गिरने की स्थिति में आ गई थी। और इस तमाम स्थिति को देखते हुए इस पूरे ब्रिज पर आवागमन पहले रोका गया, उसके बाद फिर एक्सप्रेसवे पे रोक के उसको तोड़ा गया जहां जहां गड़बड़ी थी, और उसको फिर से यहां पर बनाया जा रहा है। और जिस स्तर पर आप देख रहे हैं काम चल रहा है, उसको देखकर ऐसा लगता है कि गृह मंत्री, पीडब्ल्यूडी मंत्री के निर्देश के अनुसार अब इस काम में, जो मरम्मत के काम है, उसमें तेजी लाई जाएगी, क्योंकि गृह मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया है, लोक निर्माण के विभाग के अफसरों को और कंपनी के अफसरों को भी निर्देश दिया है कि मई तक इसको पूरा कंप्लीट करें। और उन्होंने जब हमारी इन सब उनसे बातचीत हुई थी पीडब्ल्यूडी मंत्री से, तो उन्होंने कहा कि मार्च तक 2 से 3 ब्रिज जो है बन चुके हैं, उसको शुरू कर दिया जाएगा। मगर आधे, इसका मतलब है कि आधे एक्सप्रेसवे में मार्च तक आवागमन शुरू हो जाएगा और मई तक कोशिश करेंगे कि पूरा एक्सप्रेसवे शुरू हो जाए ताकि लोगों को इससे राहत मिले। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश जानकारी के लिए।